पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, ये डायलॉग KGF चैप्टर 2 का डायलॉग नहीं था मेरे भाई, ये बताने वाले थे होम्बाले फिल्म्स और कन्नड़ा इंडस्ट्री, ये बता रही थी कि अब इतिहास बनने वाला है, कन्नड़ा इंडस्ट्री अब बदलने वाली है। मतलब बहुत कुछ छुपा है इस पूरे डायलॉग में। जैसा कि हमने कई बार बात की है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री ख़त्म होने की कगार पे थी, फिर एक मूवी आती है KGF और कहीं उम्मीद की किरण दिखती है, और वो उम्मीद की किरण किस तरह से धमाका करती है KGF चैप्टर 2 में। आप देखें, कन्नड़ा इंडस्ट्री के नाम पे हम सिर्फ एक बंदे को जाना करते थे, किच्चा सुदीप को। वो भी हमें कब पता चला, जब वो CCL चला करता था, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में, जब कन्नड़ की एक टीम थी उसके कप्तान किच्चा थे, तब हमें पता चला कि कन्नड़ से आते हैं, बॉलीवुड के एक्टर नहीं है। उसके बाद एक बंदा आता है, रॉकिंग स्टार यश, जिसने पूरी दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी कन्नड़ा इंडस्ट्री की। कितनी बड़ी वो हिट KGF चैप्टर 2 हिंदी बेल्ट में, अनबीटेबल रिकॉर्ड उसका है। मतलब 53 करोड़ पहले दिन उसने मारे थे हिंदी बेल्ट में, वहाँ तक ठीक था। उसके बाद लोगों में हिम्मत आती है, जैसा KGF में डायलॉग नहीं है कि मतलब उसको ऊपर खड़ा देख के जितने भी लोग वहाँ नीचे खड़े थे सब में हिम्मत आ गई, वही कुछ होता दिख रहा है मुझे यहाँ पर ऋषभ शेट्टी के साथ या कंतारा के साथ। कल जब ये खबर निकल के आई, और खबर ऐसा नहीं है कि कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, मुझे कहीं ना कहीं जो मैंने वीडियो देखा, एक कोई कन्नड़ एक्टर है उनके मुंह से निकल गया जब उनसे पूछा गया कि जो ऋषभ शेट्टी की दो फिल्में हैं बैचलर पार्टी और बेलबॉटम 2, वो दो मूवी हैं, वो कब करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि वो उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऋषभ शेट्टी अभी कंतारा 2 में बिजी हैं। अरे भाई साहब, उसके बाद जो बवाल हुआ ना सोशल मीडिया पे, कंतारा के जो फैंस थे, वीडियो पे वीडियो आने स्टार्ट हो गए, ट्वीट पे ट्वीट आने स्टार्ट हो गए। मैं तो ट्रैवल कर रहा था तो मैं तो नहीं बना, मैं देख रहा था। वो चीज़ यहाँ पे दिखती है, डेडिकेशन, पैशन। जो कई लोग बोल रहे हैं कि होम्बाले फिल्म्स जितना भी पैसा कमाता है, एक एक प्रोडक्शन हाउस क्या करता है, सक्सेस पार्टी होती है। बॉलीवुड में बहुत देखा जाता है कि जैसी मूवी हिट हो गई, कुछ भी हो गया, सक्सेस पार्टी होती है, इसमें लग जाते हैं उसमें लग जाते हैं। आप यहाँ होम्बाले फिल्म्स को देखिए, उन्होंने जो पैसा लिया है वो पब्लिक के लिए दे रहे हैं। वो कंतारा 2 का अनाउंसमेंट, कंतारा 2 भी अब बनने वाली है, इसीलिए मैंने बोला कि कहाँ से ये हिम्मत आई है। लोग अभी तक किच्चा को जानते थे, रॉकिंग स्टार यश को जाने, अब लोग जानेंगे ऋषभ शेट्टी को जब कंतारा 2 आएगी। जो सीन KGF के साथ हुआ था, KGF पहली वाली का ओवरऑल कलेक्शन 450 करोड़ था, और KGF चैप्टर 2 का 350 या 400 करोड़ समथिंग हिंदी में ही हो गया था, वही सिनारियो बन गया है कंतारा के साथ। आज की डेट में अगर आप देखें, कंतारा ओवरऑल 400 करोड़ मार चुकी है हिंदी बेल्ट में, 80 करोड़ मार चुकी है। कंतारा 2 जब आएगी, इसका भी हाल और इसकी भी हाइप KGF चैप्टर 2 जैसी होने वाली है। इसलिए मैंने बोला, एक और नायाब हीरा हमें कन्नड़ा इंडस्ट्री से मिला है ऋषभ शेट्टी के रूप में, और आगे बहुत मिलने वाले हैं। कब्जा भी आने वाली है, एक दो मूवी अनटाइटल्ड है वो भी आने वाली है, किच्चा की आने वाली है, प्रशांत नील की आने वाली, बहुत सारी मूवी आने वाली है। कन्नड़ा इंडस्ट्री बैक ऑन द ट्रैक फाइनली आ गई है, उसको लाने वाले कहीं ना कहीं मुझे यही कुछ नाम लगते हैं, रक्ष शेट्टी, ऋषभ शेट्टी, आपके रॉकिंग स्टार यस, और आगे जो जो आएंगे। मेन जो हिम्मत लोगों के अंदर जगाई है कन्नड़ा इंडस्ट्री के, वो रॉकिंग स्टार यस ने जगाई है। कांतारा 2 फाइनली हैपन, और कब होगी, कब इसका अनाउंसमेंट होगा, वो तो समय के साथ पता चलेगा। अभी OTT पे चल रही है, लोगों को OTT पे उतनी पसंद नहीं आ रही है। इसका गाने का कोई इशू हो गया है, बरा रूपम गाना शायद से नहीं दिखाया गया, कुछ केस वेस हुआ है, मुझे पूरा डिटेल में नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो ज़रूर से कॉमेंट करके बताएं, वो फील नहीं आ रहा है। और देखो, मेरी पर्सनली थिंकिंग ये है कि यार OTT पे क्यों लाते हो मूवी, जब थिएटर में लोगों ने देख ली है, पसंद कर ली है। OTT सिर्फ वेब सीरीज के लिए रहने दो। मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूं जिस दिन कोई डायरेक्टर ये गुर्दा दिखाएगा कि वो मूवी अपनी थिएटर में रिलीज करेगा, और थिएटर में कमाई करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, वो OTT का मुंह नहीं देखेगा, वो सैटेलाइट टेलीकास्ट की तरफ देखेगा, वो बोलेगा कि मुझे OTT पर करना ही नहीं। यार OTT पर क्यों डालते हो, OTT मूवी के लिए नहीं है। फिर बोलते हो यार OTT ने थिएटर की जगह ले ली है, थिएटर को खाता जा रहा है, OTT ये कर रहा है, OTT वो कर रहा है। यार तुम लोगों की गाड़ में खुद चल रहे कि OTT पर मूवी डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो यार। OTT वेब सीरीज के लिए बना रहने दो, उस पर वेब सीरीज आन दो 8-8 घंटे की, 10-10 घंटे की। जो बेरोजगार हैं, जो नल्ले हैं, जो रात रात भर अपने, जो मतलब सिंगल हैं, वो वेब सीरीज देखें, 8-8, 10-10 घंटे बैठ बैठ के वेब सीरीज देखें, खाएं पिएं, अपना वजन बढ़ाएं। मूवी यार थिएटर में जाके हमने फील कर लिया है, OTT पर कौन ही यार उसको देखेगा, OTT पर क्यों डाल रहा है। OTT पर ये सारे पंगे हो जाते हैं, अच्छी खासी मूवी की मां चल जाती है यार, पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है। एनीवेज, कांतारा 2 आ रही है, मैंने अभी इस पर अपना रिएक्शन दे दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें लिख कर बताएं, और जो कुछ भी आपके दिल में हो जरूर से कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।